विलुप्त हो चुके बारहसिंघा को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व से बारहसिंघा की पहली खेप लाई गई, जिसमें 8 नर और 11 मादा बारहसिंघा शामिल है। इनको बाड़े में रखकर इनकी देखभाल की जा रही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा विलुप्त हो चुके हैं। इनकी फिर से बसाहट के लिए कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंघा को बांधवगढ़ लाया गया है। बारहसिंघा को चिकित्सकों के साथ ही विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में बांधवगढ़ लाया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के SDO सुधीर मिश्रा ने बताया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मगधी एरिया में बारहसिंघा को बसाने के लिए करीब 50 हेक्टेयर से अधिक के जंगल में खास तरीके का बाड़ा तैयार किया गया है, जिसमें बारहसिंघाओं को रखा जाएगा। बाड़े को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर ना कोई भी दूसरा जानवर आ सके। यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले सांप और अजगर भी इस बाड़े के अंदर नहीं आ पाएंगे। वहीं इस बाड़े की ऊंचाई इतनी रखी गई है कि कोई बाघ भी छलांग लगाकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। कान्हा में भाई एक समय बचे थे, और एक ही जगह कोई पॉपुलेशन होती है तो उसमें खतरा होता है कि कहीं कहीं महामारी में ख़त्म ना हो। तो शासन ने योजना बनाई, पहले वन विहार भेजे गए, फिर सतपुड़ा में इनको बसाए गए, और तीसरा हमारा बांधवगढ़ यहाँ पर शासन ने अनुमति दी है इनको बसाने की। टेक्निक बहुत अब सरल हो गई, क्योंकि हमें दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, हमें इनको फिजिकली पकड़ना नहीं पड़ता। गोमा एक टेक्निक होती है जिससे सीधे ट्रक में हम चढ़ा लेते हैं, तो वही विधि से अभी हम लोगों ने इनको सुबह 19 बारहसिंघा जिनको पकड़ा है वहाँ से कान्हा से, और अभी हम लोग लेके यहाँ पहुँचे, आज इनको रिलीज करेंगे। पहले साल में हमें 50 की अनुमति मिली हुई है, तो वो हम अभी लाएंगे और दूसरे चलेंगे, और कुल 100 बारहसिंघा कान्हा से यहाँ आए। यहाँ इनके लिए हमने विशेष एक इन्क्लोजर बनाया हुआ है मद्दी में, जो कार्निवोर प्रूफ है, जहाँ पे मांसाहारी जानवर अंदर नहीं जा सकते, तो उसमें सभी तरह के मांसाहारियों के लिए हमने व्यवस्था की है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।